हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एथिक्स ऑफ रिसर्च या रिसर्च एथिक्स के बारे में, जिसे कहते हैं हम शोध नैतिकता। देखिए, हर एक कोई अपनी तरफ से तो नैतिक काम ही करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है सबसे पहले हम वो समझेंगे। उसके बाद में कहाँ पर रिसर्च एथिक्स आते हैं हमारे बीच में, किनको हमें फॉलो करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब भी कभी कोई डिलेमा हो, कोई दुविधा हो या असमंजस हो, असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में आप किधर की तरफ जाएंगे, आप राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस है उसको लेकर के रिसर्च में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझाऊँ आपको एथिकल डिलेमा। देखिए, एथिक का मतलब होता है प्रिंसिपल या रूल्स, या जिन्हें हम हिंदी में कहें सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांतों को लेकर के जब भी कभी कोई दुविधा होगी, ऐसी दुविधा की स्थिति में क्या करें। अब मैं फॉर एग्जांपल रिसर्च के उससे अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए रिसर्च में जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, किसी किसी रिसर्चर ने हमसे पहले इतना अच्छा काम किया, इतनी टेम्पटेशन होती है, इतना लालच होता है कि हम इसके काम को एज इट इज़ यूज़ कर लें, लेकिन ये अनएथिकल है अगर आपने इसका ड्यू क्रेडिट उसको नहीं दिया या उससे बिना पूछे आपने काम किया है। ठीक है, तो ऐसी डिलेमा में क्या करना चाहिए, क्या रिसर्च से रिलेटेड और सोशल या एथिकल इश्यूज़ हैं, सबसे पहले मैं समझाऊं आपको डिलेमा क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि एक आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप में से कोई कहे मनी, रेस्पेक्ट या ड्रीम्स को फॉलो करना, पैशन को फॉलो करना, हॉबीज को फॉलो करना, या जीवन में सफलता आपके लिए आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोग इसी तरीके से सोचते होंगे। ठीक है, अब मैंने ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, अगर मैं इनमें से एक एक हटाना चाहूँ, समझिएगा, अगर मैं ये हटाना चाहूँ कि कोई भी एक चीज़ जो इनमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हटा दो, तो हो सकता है आप पहले हॉबीज़ को हटा दें। ठीक है, देन उसके बाद में और क्या चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ही आपको रखनी है, हो सकता है आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब देखिए, दुविधा की तरफ बढ़ रहे हम। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी सारी सोच को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसले ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप बाद में इसको हटा दें। ठीक, हो सकता है अब यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास तीन मेन चीज़ें, अब यहाँ से मुख्य दुविधा आपकी शुरू होती है। ठीक है जी, अब मनी को रखेंगे, रिस्पेक्ट के साथ में रखें, रिस्पेक्ट को रखेंगे या सक्सेसफुल लाइफ को रखेंगे। आप कहें जी, सक्सेसफुल लाइफ तो मनी को ऑलरेडी कवर कर ही लेती है, तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें ये भी शामिल है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि आप रिस्पेक्ट को रखेंगे या सक्सेस को रखेंगे। ठीक है, अपना अपना फैसला लीजिएगा, लेकिन मैंने ये आपको एग्जांपल ये दिया कि एक डिलेमा क्या होती है, दुविधा की परिस्थिति क्या होती है। अब रिसर्च में जब भी कोई भी दुविधा हो इस तरीके की, या किन किन शंकाओं का निवारण हमें करते हुए किन सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। अब देखो, ये जो एथिक्स हैं, बेसिकली इनको अगर मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करूं तो दो तरीके से इनको समझा जा सकता है, एथिक्स या सिद्धांत, जहां पर आपको मोरालिटी का भी ध्यान रखना है, नैतिकता का भी ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मोरालिटी क्या है, मोरालिटी बड़ा ही पर्सनल व्यू पॉइंट है, कोई चीज़ मेरे लिए मॉरल हो सकती है, किसी और के लिए हो सकता है इमॉरल हो, या एक मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स के लिए हो सकता है इमॉरल हो, कुछ के लिए वो चीज़ मॉरल हो। साथ में अब सिर्फ मोरालिटी से ही काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत से कानून भी हैं इसमें, तो दूसरा पक्ष है हमारे पास लीगैलिटी का, विधि या न्याय संगत होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। ओके जी, अब देखिए बात कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ रिसर्च एथिक्स की। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर सारे तरीके की रिसर्च को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, चाहे मेडिकल साइंस की है, चाहे साइकोलॉजी की है, चाहे सोशल साइंसेस की है। सबसे पहले रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेलबींग ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर रिसर्च। आपने जो सैंपल लिया, अगर इसमें ह्यूमन बींग्स है, जानवर हैं, कोई भी लिविंग लिविंग सैंपल है आपका, तो उनकी सुरक्षा और उनकी भलाई का आपके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रिंसिपल्स वन मस्ट अडॉप्ट, एक रिसर्चर को एथिकल, लीगल और मॉरल जितने भी प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च से रिलेटेड, उनको अपनी रिसर्च में ध्यान रखना है, नीतिपरक, कानूनी और नैतिक जितने भी सिद्धांत हैं। ठीक है, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए, आपको मिलेंगे बहुत सारे इश्यूज रिलेटेड विद दिस। फिर आता हमारे पास, अब क्या हम इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करें कि जो भी हमारे बेनिफिट्स होंगे रिसर्च के, सपोज करिए क्लोनिंग को लेकर के रिसर्च हुई, बहुत सी बहस चली कि क्या
क्या जो लाइफ देने की पावर है ये इंसान के हाथ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को लेकर के बहुत से बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं इस तरीके की रिसर्च से, और बहुत से रिस्क जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो जोखिम और लाभ में संतुलन किस तरीके से बनाएगा रिसर्चर, यहाँ पर मदद करते हैं रिसर्च के एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट जो है। तो रिसर्चर हैज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड बेनिफिट्स, फेयर एंड जस्टिफाइड सेलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देखिए सैम्पलिंग करते समय, देखिए रिसर्च करना एक्चुअल में अलग चीज़ है। हाँ, बेसिकली रिसर्च करनी है एथिकल तरीके से करनी है, रिसर्च को कुक नहीं करना। कुक करने का मतलब क्या है, डेटा मैनिपुलेशन कर लिया, किसी और का डेटा चोरी कर लिया, किसी और का लिखा हुआ चोरी कर लिया, ये सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। जब आप अपने सैंपल को सेलेक्ट करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टडी क्या अलाउ कर रही है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए, रैंडमाइजेशन रखना ताकि आप जनरलाइजेशन अच्छा रख पाएँ तो वो करें, और अगर आपका टॉपिक ऐसा है कि वहाँ पर रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते तो आप दूसरे तरीके पर जा सकते हैं, कन्वीनियंट पे जा सकते हैं, पर्पजे पे जा सकते हैं, या स्नोबॉल सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो आप जब सेलेक्शन करें अपने सैम्पल का, वो जस्टिफाइड और फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंसेंटिंग प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दो टॉपिक हैं, कंसेंटिंग प्रोसेस क्या है, आपने सैंपल भी सेलेक्ट कर लिया, अब आपकी जो आपका जो सैंपल है, जो रिस्पोंडेंट है, आप उससे पहले सहमति लीजिए। ये ग्लोबल नॉर्म्स बने हुए हैं और स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो कि कंसेंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं। आपका सैंपल में बच्चा है कोई, बच्चे के पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा सैंपल है किसी स्टडी का। आप स्पेशल स्टूडेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, स्कूल वालों को पता होना चाहिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं, और उनकी कंसेंट के साथ में आप अपनी रिसर्च को आगे फॉलो करें। ठीक है, अब आती है बात डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, किस तरीके से आप अपनी रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं, उसका डिफरेंट प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में अलग अलग तरीके से है, कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। कहने का मतलब ये, अभी तक की बातों की समरी ये है, आप अपनी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को मेंटेन करें एथिक्स को फॉलो करते हुए, एक्सटर्नल वैलिडिटी को मेंटेन करें मतलब जनरलाइजेशन किस तरीके से होगा उसके लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखीकरण भी मानकों और आदर्शों के अनुसार होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटियरिज्म एंड डिस्क्लोजर, अभी बात ये थी कि किस तरीके से आपने अपना सैंपल सेलेक्ट किया। ओके, अब बहुत से रिसर्च में आपको वॉलंटियर्स मिलेंगे, वॉलंटियर्स मतलब मेडिकल रिसर्च होती है, बहुत से सैंपल ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, अब नई मेडिसिन की इफेक्टिवनेस देखने के लिए हम उनसे उनको एज ए सैंपल लेते हैं। वहाँ पर भी आपको पूरे का पूरा डिस्क्लोज़र एक वॉलंटियर को बताना है कि भाई स्वैच्छिक चयन तो आपने किया है इसका सैंपल होने के लिए, लेकिन जितनी भी चीज़ें होंगी इस तरीके से रिसर्च आगे प्रोसीड करेगी, रिस्क ये हो सकते हैं, बेनिफिट्स ये हो सकते हैं, और पूरे डिस्क्लोज़र के साथ में। आपको समझ आ रही है बात, ये सारे के सारे रिसर्च एथिक्स हैं हमारे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज टू बी फॉलोड, गोपनीयता। मैं सपोज करिए रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ पर कि एलीट क्लास, या एलीट क्लास नहीं तो मैं अगर ये कहूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हैं फीमेल, उनका उनके साथ में एसोसिएटेड सपोज करिए मैंने वेरिएबल लिया डोमेस्टिक वायलेंस। अब दुनिया को तो कोई नहीं बताता ये सारी चीज़ें, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सैंपल है वो गोपनीय रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, किसी भी जगह पर आप उसका नाम एड्रेस एज इट इज़ यूज़ ना करें। इसमें मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दूंगा, सिगमंड फ्रॉइड ने जब स्टडी करी तो उसकी कुलीग थी, उसका नाम आज तक नहीं पता, उसने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में उनके नाम को मैडम ओ के नाम से बताया। अब नाम लिख दिया मैडम ओ, अब आप ये देखिए कि उसने कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखा कि नहीं रखा। आप भरोसा दे रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट को, तभी तो वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देगा। और जब आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे इस चीज़ का, तो ये प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं रिसर्च के कोड ऑफ कंडक्ट के, कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए, गोपनीयता मेंटेन की जाए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स
एंड गाइडलाइंस फॉर एथिक्स एंड रिसर्च। देखिए, हर एक कंट्री के, हर एक सब्जेक्ट के और इंटरनेशनल नॉर्म्स और गाइडलाइंस बनी हुई हैं, मानक व दिशा निर्देश बने हुए हैं। एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेस में कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, किस तरीके से नॉर्म्स को या गाइडलाइंस को फॉलो करना है हर एक रिसर्चर को, चाहे वो रिसर्च की डिज़ाइन से रिलेटेड हो, या कंसेंट प्रोसेस से रिलेटेड हो, या कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड हो, या जिस तरीके से अब आप रिसर्च करने के बाद उसको छापेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको दुनिया के सामने रखेंगे, उससे रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करना है। ठीक है जी। अब क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इनअप्रोप्रिएट या अनएथिकल माना जाता है? ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ है, ये है अनएथिकल चीज़ें, मतलब कि इनअप्रोप्रिएट मैथडोलॉजी। आप रिसर्च करने के बजाय रिसर्च कुक करना चाह रहे हैं, सीधा दो तीन पेपर से निकाल करके इन्फॉर्मेशन और छापना चाह रहे हैं, ये अनएथिकल है। आपकी मैथडोलॉजी तो कुछ थी नहीं, प्रॉपर आपका एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी है तो, साइंटिफिक मेथड है तो ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करें, क्वालिटेटिव है तो सब्जेक्टिविटी, और डिफरेंशियल जितनी भी रियलिटीज़ हैं उसको फॉलो करें। मैथडोलॉजी मतलब इंटरनल वैलिडिटी प्रॉपर इस्टेब्लिश की हुई होनी चाहिए। इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, गलत तरीके से आप अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं, उनका लेखन कर रहे हैं, वो भी अनएथिकल है। इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने 20 लोगों से सैंपल लिया, 20 लोगों से एक्चुअल में डेटा कलेक्ट किया, और आपकी स्टडी में था 200 का सैंपल कम से कम, अब आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर से इसको मैनिपुलेट कर लिया, है ना, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये समझिए कि ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, आप किसी का डेटा थेफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल डेटा हो या लिखा हुआ कंटेंट हो, अब वो पता चल जाता है अलग अलग सॉफ्टवेयर से जो प्लैजरिज्म को चेक करते हैं। आप बायस हो गए एज ए रिसर्चर, आप पूर्वाग्रह लेकर के चले कि इस एरिए में ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और इस तरीके से ये फैक्टर्स तो काम करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जब डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो वो चीज़ उससे विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन अनएथिकल प्रैक्टिस है। मैनिपुलेशन करना या फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, आपने थोड़ा सा सैंपल लिया और उसको फैब्रिकेटेड कर दिया, बड़ा सैंपल बना दिया, मैनिपुलेट कर दिया आपने अपना डेटा, गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हैं। अब रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, देखिए प्लेजरिज्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेफरेंसिंग और जो बिब्लियोग्राफी वाली रिपोर्ट थी, जो वीडियो थी बेसिकली, जिसमें प्लेजरिज्म को मैंने डिस्कस किया है, कई तरीके से प्लेजरिज्म हो सकता है। आप किसी फेलो रिसर्चर का कुछ ले ले बिना उसकी परमिशन या कंसेंट के, बिना उसको ड्यू क्रेडिट दिए, प्लेजरिज्म है। आप अपना ही पेपर, अपनी ही थीसिस में से कोई और चीज़ ले रहे हैं, आपने पहले कोई एक पेपर कहीं लिखा हुआ है, उसी पेपर में से एज इट इज़ कोई और चीज़ आप उठा करके कहीं और छाप रहे हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म है। इसको सेल्फ प्लेजरिज्म बोलते हैं, सेल्फ प्लेजरिज्म, और ये भी पकड़ा जाता है जहाँ जहाँ चीज़ें चेक होती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर से। और क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू पब्लिकेशन, उनको समझ लीजिए। जनरल मैल प्रैक्टिसेस, देखिए जनरल मैल प्रैक्टिसेस क्या होती है, बेसिकली होना तो ये चाहिए, आपका कोई रिसर्च पेपर है किसी जर्नल में गया छपने, तो जर्नल का एक बोर्ड होता है एडिटोरियल, डिफरेंट रिव्यूअर्स होते हैं, और वो रिव्यूअर्स रिव्यू करते हैं आपके उस लिखे हुई चीज़ को। उसके बाद रेफरी होते हैं, वो रेफरी चेक करते हैं अगर कोई इशू होता है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट्स में इतनी छोटी सी कम्युनिटी है कि आपस में ही बहुत सारे लोग जो कि जनरल के एडिटोरियल बोर्ड में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता है कि पर्सन एक्स का पेपर आया, अब ये जो रिव्यू का प्रोसेस होना चाहिए ना, ये रिव्यू का प्रोसेस ब्लाइंड होना चाहिए, ब्लाइंड रिव्यू बोलते हैं। ब्लाइंड रिव्यू क्या है कि किसी को पता ही नहीं है किसका लिखा हुआ पेपर किसके पास पे आया है, लेकिन इन चीज़ों को जनरल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो पब्लिकेशन से रिलेटेड एक और मैल प्रैक्टिस है। देन उसके पास मल्टीपल ऑथरशिप है, मेरे सपोज करिए मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर लिखा, अब जबरदस्ती मैं उसमें अपना नाम डलवा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरा क्या लेना देना है उससे, उस रिसर्च से नहीं है, या स्टूडेंट जबरदस्ती मेरा नाम डाल रहा है जस्ट फॉर द कर्टसी कॉल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ऑथरशिप, एक ही पेपर मैंने एक जगह दिया, एक ही पेपर मैंने दूसरी जगह दिया, एक ही पेपर तीसरी जगह दिया, गलत है। ठीक है, मैल प्रैक्टिस है। देन डेटा डुप्लीकेसी, डेटा डुप्लीकेसी अगेन वही चीज़ आ गई, बहुत से लोग क्या करते हैं पीएचडी थीसिस में से 20-20 पेपर निकालते हैं, सेम तरीके का डेटा उनका अलग 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 सोर्सेस पर जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डूइंग द रिसर्च एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च, इनको फॉलो करना चाहिए, इनको फॉलो करना अत्यंत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस एक वीडियो में मैंने बहुत सारे सोर्सेस
बहुत सारे एथिक्स ऑफ रिसर्च डिस्कस किए आपके साथ में, अलग अलग तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।